कौन बोल रहा है? जैसा जीजी खानी है? कौन सी जीजी खानी है? केक खाना है। अच्छा जी, मानो आई लव यू इरा। छूना मीठा। तो यहाँ पे मैंने ना अपने लिए नान और चैनों का नाश्ता रेडी कर लिए, मंगवा के रखे हुए थे, और मैंने फिर नान को फ्राई कर लिया हल्का सा ऑयल डाल के, नमक और वो पानी डाल के उसे पका लेते हैं ना, वैसे कर लिया और क्रिस्पी सा बना लिया, और साथ में चने गरम कर लिए। और यहाँ पर जो है ना शाही के लिए मैंने फ्रोज़न पराठा बना दिया, एक के साथ मैंने फ्रोज़न पराठा खाना है, और साथ में जो है ना चाय बना लिए। और इरहा मैडम के लिए, मेरी पारोशी के लिए हमने केक लेकर आए हैं, वो खाएगी मानो चाय के साथ, है ना मानो? मानो आप केक खाएंगी? यम्मी यम्मी मानो, कैसी केक खाएंगी आप? यम्मी यम्मी करके। ओके चले जी, हम करते हैं नाश्ता और फिर मिलते हैं आपसे नाश्ते के बाद। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो ये सुबह का टाइम है और मॉर्निंग रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आपने देखा, नाश्ता वगैरह करके हम फ्री हो चुके हैं और अब बस घर की क्लीनिंग वगैरह की तरफ आते हैं। और यहाँ पर जो है ना मानो बहुत मज़े मज़े की बातें कर रही थी, तो मैंने वो थोड़ी सी रिकॉर्ड कर ली आपके इंजॉयमेंट के लिए, तो वो देखें। इरा डार्लिंग कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है। ओके, बाहर बब्बू आया हुआ है। ओ ओ, बब्बू भी आया हुआ है। क्या कैसे काटी करते बब्बू? यहाँ कर देता है। बकैया हो गए। ओहो, बकरे को यहाँ हो गए, अंकल ने की है। अच्छा, आई लव यू इरहा। अच्छा, मैं जो हूँ ना अपना काम किचन से स्टार्ट करती हूँ। पहले मैंने किचन के बर्तन वगैरह सारे वॉश कर दिए हैं, और उसके बाद जो है ना मैं शेल्फ्स वगैरह क्लीन करूँगी। और ये देखें ज़रा, सिंक के ऊपर ना ये हार्ड वाटर के निशान है। ये मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ अप्लाई करके देखी हैं, लेकिन ये निशान ना ख़त्म नहीं हो रहे। अगर आपके पास कोई ऐसी रेमेडी है या कोई ऐसा तरीका या कोई ऐसा केमिकल जिसके बारे में आप जानते हो ना, जो सिंक में अप्लाई करने से ये ठीक हो जाए, तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, मसाला बॉक्सेस को ना मैं दो दफ़ा वीक में ना वाइप कर, मतलब साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जब हम लोग कुकिंग कर रहे होते हैं ना तो ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, इसलिए इसको साथ साथ करते रहो ना तो अच्छा रहता है। तो बस यहाँ पर जो है ना शेल्फ्स मैंने क्लीन कर लेनी है, और जो है ना ये जो है ना लेमन मैक्स वालों का ये मैं यूज़ करती हूँ स्पंज क्लीनर ना, तो ये बहुत अच्छा रहता है, और एक तो इसमें से स्मेल नहीं आती और ऊपर से बहुत जल्दी ड्राई होता है, और ऊपर से सबसे इसकी अच्छी बात जो है ना वो ये है कि इसके अंदर पानी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो रात को आप एक दफ़ा, पूरा डे आप यूज़ करें, रात को आप एक दफ़ा ना अच्छी तरह सर्फ से वॉश करके रख दें। तो यहाँ पर जो है ना साथ में जो रोटियों वाले रुमाल होते हैं ना, वो मेरा एक वॉश करने वाला था, तो मैंने ना पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि हम सिलेंडर यूज़ करते हैं ना, तो पानी गर्म करने के लिए ना क्लीनिंग के लिए जितना भी मुझे पानी गर्म करना होता है, मैं फिर इस रॉड को यूज़ करती हूँ। पानी को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है, और ये जो तरीका मैं शेयर कर रही हूँ इस तरीके को यूज़ करें, बिल्कुल भी चिकनाई नहीं रहेगी आपके रुमाल के ऊपर, और बिल्कुल ऐसा न्यू हो जाएगा ना। तो आपने एक रुमाल अगर, तो एक टेबल स्पून सर्फ लेना है और एक टेबल स्पून मीठा सोडा ले लेना है, उन दोनों को स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेना है, और उसके अंदर रुमाल डाल देना है। उसको जब रुमाल को डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे आप, देन छोड़ देंगे। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो आपने रुमाल को अच्छे से मलना है और उसको वॉश कर देना है। तो दूसरी साइड पर जो है ना घर में उधम मचा होता है, ये वाली ज़्यादा जो है ना बच्चे बैठते हैं और फ़ौरन उतर जाती है। तो बस मैं क्लीनिंग की तरफ आ रही हूँ और घर की सफाई करने लगी हूँ। यहाँ पर जो है ना मैंने पेटी के साथ जो है ना लॉन्ड्री बास्केट रखी हुई है अपने, और हस्बैंड जब भी कपड़े डालते हैं ना तो वो ऊपर ही छोड़ देते हैं, सिर्फ एक इरहा है मेरी मानो बिल्ली जो हमें मुझे कॉपी करती है और वो अंदर डालती है कपड़े ना। तो शहीर और इसके बाबा के कपड़े थे तो वो मैंने लॉन्ड्री बास्केट के अंदर डाल दिए हैं। यहीं से मेरा काम स्टार्ट हो चुका है क्लीनिंग का। तो पहले चलते हैं बेडरूम की तरफ और बेडरूम को क्लीन करते हैं। यहाँ पर ना बेडशीट की हालत काफ़ी ख़राब हुई हुई है, क्योंकि जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो बच्चों को मौका मिल जाता है, वो जंपिंग करने में लगे होते हैं, मैं भी कहती हूँ चलो कर लो, क्योंकि उसके बाद तो सफाई करनी ही है और जितनी मौजे मारनी है मार लो, लेकिन इनका शौक़ ना ख़त्म नहीं होता इस चीज़ का, क्योंकि रात को जब इनको सोने के लिए लेटाओ ना तो इनको फिर जंपिंग की सूझ जाती है। खैर, यहाँ पर जो है ना मैंने बेडशीट वगैरह क्लीन कर ली है, और उसके बाद होगी डस्टिंग, डस्टिंग के बाद फिर मैं सफाई करूँगी।
तो मैंने ना मेरी एक बेडशीट ना फट गई थी, तो मैंने उसके पीसेस कट करके ना इस साइज़ में रख लिए थे। उसको मैं डस्टर के तौर पर भी यूज़ कर लेती हूँ, बच्चे को चीज़ गिरा वगैरह दें तो फिर फौरन इंस्टेंट कोई चीज़ चाहिए होती है साफ़ करने के लिए, तो यूटिलाइज़ हो जाते हैं आराम से, तो भागना नहीं पड़ता। यहाँ पर जो है ना बच्चों की मस्तियाँ भी साथ साथ चल रही हैं। अच्छा, बच्चों के साथ साथ ना काम में ज़्यादा टाइम लग जाता है, जो काम मैं 15 मिनट्स 20 मिनट्स में कर लूँगी ना वही काम मैं 1 आवर तक पहुँच जाता है, क्योंकि साथ साथ इनके मसले चल रहे होते हैं, कभी इनकी लड़ाई, कभी इनकी प्यार मोहब्बत, आपस में प्यार मोहब्बत भी होता है, अभी इतने छोटे छोटे से हैं, लेकिन जब लड़ाई होती है तो फिर उसने मेरी ये चीज़ ले ली है, और जिस जो एक ने लेनी है ना वही दूसरे को चाहिए, तो बस यही सब कुछ चल रहा होता है। सोफ़ों के ना मैंने ये जो चादर है ना वो भी सेट कर दी है, ये चादर तो दिन में मुझे 70 टाइम सेट करनी पड़ती है, लेकिन ये फिर भी ना ख़राब ही हर वक्त नज़र आती है। अरे यहाँ पर जो है ना दीमक लगी हुई थी काफ़ी डेज से, तो मतलब मैं रिमूव कर रही थी रोज़ाना और फिर लग जाती थी, तो मुझे भूल जाता था कि ना मैं उसको ना पाउडर डाल दूँ। मैंने कहा चलो ट्राई करके देखती हूँ, और ये मैंने डाला है तो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा है, क्योंकि उसके बाद ना इसके सारे कीड़े जो है ना दीमक के मर गए और दोबारा यहाँ पर ग्रो नहीं किया इसने। तो अगर आपके घर में भी दीमक वगैरह का मसला है ना, तो ये वाला क्यूपेक्स पाउडर जो होता है ना, इंसेक्ट किलर पाउडर, वो यूज़ कर लें, जिसे जो आंट्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं ना, तो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर जो है ना मैं सफाई वगैरह कर रही हूँ, झाड़ू वगैरह मैंने दे दी थी, तो साथ में मपिंग स्टार्ट कर दी है। मप मेरा ना बहुत शौक है वो वाला गोल वाला लेने का, जो जिसके साथ बकेट भी मिलती है ना, तो साथ साथ आप वॉश करते रहें और उसको ड्राई करके आप मप करते रहें। तो मैंने ऑनलाइन देखे हैं काफ़ी, इंशाल्लाह जब मार्केट जाना होगा तो लूँगी। और यहाँ पर जो है ना देखे, मैंने इसको वॉश करके हैंग कर दिया था, बच्चों के झूले के ऊपर ही मैंने हैंगर में हैंग कर दिया था, और यहीं पर ही ड्राई हो जाएगा। गर्मी इतनी ज़्यादा है तो ये ना ईज़िली ड्राई हो जाएगा, और इस पर बिल्कुल भी कोई स्टेन नहीं है और चिकनाई बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि हम पराठे वगैरह रोज़ाना बनाते हैं सुबह के टाइम, और बिल्कुल भी चिकनाई नहीं है। तो बस सफाई वगैरह हो चुकी थी, पूरा घर साफ़ सुथरा हो गया था, तो फिर मैंने अच्छी अच्छी वाइब्स के लिए ना साथ में एयर फ्रेशनर भी कर दिया, ताकि जब घर से खुशबू आ रही हो और घर नीट एंड क्लीन हो ना, तो बहुत अच्छा महसूस होता है और अच्छी अच्छी वाइब्स आती हैं और बहुत मज़ा आता है। तो बस फिर यहाँ पर जो है ना ये मेरा लास्ट स्टेप होता है लाजमी, अक्सर मैं सफाई के बाद ही करती हूँ। बस मानो मेरे इर्द गिर्द मंडला रही थी कि मम्मा मुझे भूख लगी है तो मुझे ना दूध बना दो, तो बस इसके बाद जो है ना इसके मिल्क का टाइम है, तो मैं यहाँ पर इरहा के लिए मिल्क बना रही हूँ। और आप सुनाएं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, सब ठीक ठाक है? और जिसने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप बग़ैर सब्सक्राइब के चैनल को देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। तो यहाँ मेरी मानो जो है ना वो दूध पीने लग गई है, तो मैं जब तक ना कपड़े आयरन कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने कल वॉशिंग मशीन वगैरह लगाई हुई थी और कपड़े काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं जो कि समेटने वाले हैं। समेट तो मैंने लिए थे, लेकिन मेरे लिए समेटना ये होता है कि मैं उनको जो है ना वार्डरोब के अंदर अच्छी तरह आयरन करके रख दूँ, क्योंकि ना शुरू से अम्मी ने आदत डाली हुई है। जब हम लोग छोटे होते थे तो अम्मी जो है ना जब कपड़े वगैरह वॉश करती थी, उसके बाद अम्मी ने सबके कपड़े जो है ना आयरन करके तो अच्छी तरह उनके कबर्ड्स में सेट कर देने होते थे। फिर हम बड़े हुए तो हमें भी आदत ट्रांसफ़र हो गई, तो तब तो हम फिर भी लापरवाही शो करते थे, तो अम्मी बड़ी परेशान हुआ करती थी कि ना ये लोग सीखते नहीं हैं और जो है ना मतलब डिसिप्लिन नहीं है ना। लेकिन अब ये है कि वही चीज़ें जो है ना मदर से ट्रांसफ़र होती हैं बच्चों के अंदर जो है ना, तो वही आते हैं। मैं देखती हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं करती हूँ जो अम्मी करती होती थी, और जब हम बड़े हो गए तो अम्मी कहती थी कि तुम लोग भी सीखो, लेकिन तब हम ज़रा लापरवाही शो करते थे। लेकिन अगर अम्मी ब्लॉग देख रही हैं तो थैंक यू अम्मी हमारे अंदर ये पॉजिटिव चीज़ें डालने के लिए और डिसिप्लिन डालने के लिए और हम पर इतनी मेहनत करने के लिए। तो माँ बाप तो अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए ही सर्व कर देते हैं, तो बच्चों का काम है कि उनको अप्रिसिएशन दें जब वो बड़े हो जाएं और उनको सुकून दें। खैर यहाँ पर जो है ना अब तो खैर सुकून गर्ल्स का तो ये होता है कि शादी हो जाती है, अपने घरों को चली जाती हैं और फिर बच्चे और उनकी लाइफ, कभी कभी पेरेंट्स की तरफ जाना होता है। तो यहाँ पर जो है ना मैंने शहीद के भी कपड़े आयरन करके सेट कर दिए थे, शलवार कमीज में एक साइड पर कर देती हूँ सेट, और जो है ना नीकर शॉर्ट्स एक साइड पर। और यहाँ पर शहीद ने मनी बॉक्स रखा हुआ है, एक साइड मैंने बॉक्स में ना इसकी वेस्ट वगैरह रखी हुई है। खाने में बना था आलू गोश्त,
और बेसिक रेसिपी है, यानी कि जो जिस तरह आम तरीके से घरों में बनता है वैसे ही बनाया है। और साथ में बना ली थी रोटी हस्बैंड के लिए, और मेरा दिल नहीं कर रहा था तो मैंने अपने लिए ना जिंगर शवरमा मंगवा लिया था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, मेरा बहुत क्रेविंग हो रही थी मुझे ना कि जिंगर शवरमा मंगवाओ, तो यहाँ का बहुत अच्छा है तो मैंने फिर वो मंगवा लिया था। बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।